उत्तर प्रदेश के फतेहपुर क्षेत्र के जोशियाना मोहल्ले में एक व्यक्ति ने घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आत्महत्या निजी कारणों के कारण बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जोशियाना मोहल्ले में उत्कर्ष सिंह नाम के युवक ने अपने ही घर में अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके अपने निजी कारणों के कारण आत्महत्या कर लिया है। मृतक के पिता शिवपाल सिंह ने थाना कोतवाली पर इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी दे दिया है, जो थाना कोतवाली पर अभिलिखित किया गया है। पिता के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद जांच करते हुए स्थानीय पुलिस ने मृतक उत्कर्ष सिंह के शव को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हाल ही में महोबा जनपद के एचैना गांव में कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। हुई थी 4 तारीख को, जिसमें ब्रजेश प्रताप प्रजापति की हत्या हुई थी। उसी से संबंधित अभियुक्त मनोज पप्पू अहिरवार और रोशन सिंह की गिरफ्तारी हुई। उनके साथ वो जो आला कत्ल है, 12 बोर का तमंचा 2 बरामद हुआ, 9 कारतूस बरामद हुए हैं। वो जो फायर शुदा जो कारतूस था वो भी बरामद हुआ। और इसमें यह संपूर्ण कार्यवाही हमारे एडिशनल एसपी श्री वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में, निर्देशन में, और सीओ चरखारी श्री दिनेश कुमार, एसओ खरेला राजू और उनकी टीम, तथा जो है स्वाट टीम सतीश चंद्र मिश्रा, अच्छे लाल, वीरेंद्र कुमार सूरज व विशेषकर अरुण कुमार के द्वारा संपन्न की गई है। यह इस टीम ने बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं तथा 5,000 रुपये नगद पुरस्कार घोषित करता हूं। घटना की वजह क्या रही सर? घटना की वजह तो अभी विवेचना चल रही है, वो उससे बातचीत चल रही है। घटना की वजह रंजिश भी हो सकती है और आलाप सटेन भी हो सकता है। जो अभियुक्त है वो पहले भी हत्या में जेल जा चुका है और उसके क्रिमिनल हिस्ट्री है, मतलब जो आदमी हत्या पहले कर चुका है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरी में नवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत ही धूमधाम से जागरण मनाया गया, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बताया कि कई वर्षों से नवरात्र के शुभ अवसर पर हम लोग जागरण का प्रोग्राम कराते रहते हैं और इस प्रोग्राम में आसपास के गांव के लोगों को भी हिस्सा लेना पड़ता है। पर अब की बार नई बात देखने को मिली, जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए इस जागरण में। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के लोग इस जागरण में शामिल हुए और लोगों को धार्मिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। और नवरात्रि का समय चल रहा है और मंदिर प्रांगण में आज मेरा न्योता बताया, मुझे पहले भी सूचना मिल गई थी इस बात की कि आपको जागरण में आना है, तो मैं आज सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आया हूँ, मेरे साथ के जो सहयोगी हैं सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत खुशी का विषय है कि ये एक पूरे समाज के लिए एक मैसेज है कि हम बिरादरी वास से अलग हट करके बहुत कुछ करना चाहते हैं साथ में, और बहुत एक अलग सोच है हमारी समाज के लिए। जात पात को एक मतलब साइड रखना चाहते हैं, और जात पात की कोई बात नहीं होती है, जो सामाजिक कारण होते हैं। एक दूसरे को हम सबको एक दूसरे के द्वारों में जाना चाहिए, एक दूसरे के जागरण में, जलसों में, जो भी होते हैं सबको जाना चाहिए, बढ़ चढ़ के सब लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये जो नवरात्रि का जो त्यौहार है, समय माँ भगवती के जागरण है, ये हमारे ग्राम ससरा में त्रिलोकनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है। अब नवरात्रि का जो त्यौहार है ये साल में 2 बार आता है और ये 9 दिन तक लगातार चलता है। कुछ लोग जो है माँ भगवती का जागरण नवरात्रि के पहले दिन मनाते हैं, कुछ ये जो नवरात्रि का जो त्यौहार है लगातार 9 दिन तक मनाया जाता है, और इसमें सभी जो संतान हैं जो अपनी जो है उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, इस तरह से इसको जो मनाते हैं। यह जो है हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार। सिद्धार्थनगर के गौलाहारा थाना क्षेत्र के बरगदवा पुल के पास आज सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त निवासी तरकुलिया रुद्र प्रसाद मौर्य के रूप में की, जो कि मुंबई में काम करता था। फिलहाल वह दशहरा मनाने अपने गाँव आया था।
क्या नाम है चाचा आपका? रामवरण। कहाँ के रहने वाले? पिरपलिया। ये क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि 4 बजे हमारा लड़का निकला और गायब हो गए, पता नहीं चला, और सवेरे पता चला प्रधान द्वारा। क्या पता चला आपको? पता चला कि तो लड़का वहीं पर आया तो पता चला कि हमारे हो सब गए किस जगह निकट को प्रधान किए। सर गुलौरा थाना क्षेत्र के बरगदवा पुल पर एक लाश मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आज सुबह यूपी 100 के माध्यम से हमें एक सूचना मिली कि एक युवक की डेड बॉडी वहाँ पर है। सूचना पर तुरंत यूपी 100 और हमारे स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जो बॉडी है उसको सम्मानजनक तरीके से उसको किया गया और वहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको पूरा चेक किया गया और इसकी जब बाद में जो शिनाख्त हुई मथुरा प्रसाद मौर्य इनकी शिनाख्त हुई है जो कि बॉम्बे में रह कर काम करते हैं और वर्तमान में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पे पिछले 3 माह से यहाँ आए हुए थे। आगरा में 3800 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के मालिक व उसके सहयोगी को साइबर क्राइम सेल आगरा ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कंपनी प्लान के तहत कार्य कर लोगों से ठगी किया करती थी। फरार चल रहे थे जिन्होंने लगभग 3800 करोड़ रुपए के फ्रॉड वाली कंपनी खड़ी की थी, उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में वरुण गुप्ता कंपनी के मालिक और मुख्य सहयोगी उनके अमित सक्सेना शामिल हैं। वर्ष 2017 में इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था यशपाल निवासी सिकंदरा द्वारा कि इन्होंने पे वे आई टी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई जिसके द्वारा इन्होंने ये झांसा दिया कि सोशल मीडिया साइट्स पर लाइक करने के लिए आपको पेमेंट किया जाएगा पर क्लिक बेसिस पे और इसके एवज में उन्हें पहले कुछ राशि कंपनी को जमा करानी पड़ेगी। तो यशपाल द्वारा शिकायत किया कराई थी कि इन्होंने इनसे 13-14 यूजर आईडी बनवाने के नाम पे 13,80,000 रुपये ले लिए थे जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे भविष्य में आपको पेमेंट करते जाएंगे। इस संबंध में वर्ष 2017 में थाना सिकंदरा में मुकदमा अपराध संख्या 1274/17 धारा 420 और 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी। इसमें ये विभिन्न विकल्प दिखा करके ठगी करते थे और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों को ठगा है। वर्ष 2018 में इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और ये 2 लोग फरार चल रहे थे। जनपद आगरा को सफलता की टीम को सफलता प्राप्त हुई है जो वरुण कुमार जो वर्तमान निवासी गाजियाबाद और मूल निवासी बिजनौर के हैं और अमित सक्सेना जो वर्तमान में नोएडा में रह रहे था और मूल निवासी बिजनौर का है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका जो आपराधिक इतिहास है इसके बारे में खंगालने पर पता चला है कि इनके विरुद्ध जनपद आगरा में थाना सिकंदरा के अलावा जनपद गाजियाबाद के थाना लिंक रोड में 420 के अंतर्गत 2017 में मुकदमा दर्ज है और साइबर क्राइम थाना गुड़गांव हरियाणा में गुरुग्राम हरियाणा में 26/18 धारा 420 दर्ज है। इसके अतिरिक्त अभी अन्य स्थानों पर अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों की जानकारी की जा रही है। कहां से सर? नागौर जिले के पाटुकला कस्बे में 4 भुजा मंदिर के पीछे देर शाम हुए विशाल दीप यज्ञ में भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्रा महोत्सव के तहत अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गायत्री प्रज्ञा पीठ के तत्वाधान में यज्ञ का आयोजन किया गया। देवास जिले की तहसील टोंक खुर्द से जुड़े गांव गुराड़िया में कागजों में तो कार्य किया गया लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई कार्य नहीं किया गया। सरपंच और सचिव के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव से अगर कुछ कार्य करवाना होता है तो पहले उनकी जेबें गर्म करनी पड़ती है। अच्छा ठीक। एक गाय और केड़ी डूबेगी। अच्छा यहाँ पे पानी घुस गया था। पानी घुस गया था, इतने पानी। अच्छा पानी आ जाता है क्या? हाँ पानी आता है सर, वो वहाँ पुलिया जो प्रधानमंत्री सड़क शमशान कितना दूर है यहाँ से? 500 मीटर। तो ऐसा ही है कीचड़ शमशान तक नहीं दिख रहा है। आप भी देखो ऐसे ही। हम तो देख रहे हैं ऐसे ही। वो शमशान में क्या व्यवस्था है? चद्दर वगैरह की होता आधा सीसन गाजर घास हो। अच्छा कुछ भी नहीं। आप जैसे कैसे जलाते हैं मुर्दे को? जैसे आफत में ले जाओ, इसी आफत में जाइए। और ऊपर पानी वगैरह कुछ भी नहीं
घर से बरसाती ले जाओ, चादर ले जाओ। अच्छा कितना दूर है यहाँ से? 500। नहीं उन्होंने बोला, नहीं बोला आपको? नहीं बोलिया सर, दो का खेची का नहीं कहीं भी नहीं मिले, हमारे कुटी नहीं मिली हमारे तो। अच्छा तो आपसे कुछ रिश्वत वगैरह तो नहीं मांगी जाती है? मांगे भी पैसा हमारे। अच्छा पैसे दे दोगे तो आपका मकान बना दिया जाएगा? हाँ दे दो, हमने पैसा ही नहीं कहीं दे पापड़ी गरीब मकान पैसा ही नहीं, हमने की मिलेगा हमसे ले लीजिए थोड़ा घना, हमारे पैसा ही नहीं। कितना कितना पैसा मांगे? ये तो ज्यादा मांगे तो ज्यादा से नटेगा। और आपका जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ यहाँ पर पटवारी और सचिव कोई आए थे अभी देखने के लिए? कोई भी नहीं आए। और ये जो पैसे मांगते हैं कौन मांगते हैं आपसे पैसे? मंत्री सरपंच मंत्री मंत्री सरपंच सरपंच भी। जिला बदायूं के कस्बा उझानी में रामलीला का प्रोग्राम बहुत ही जोरों पर चल रहा है। इस प्रोग्राम में बहुत ही दूर दराज से चरक झूला रामलीला कलाकार वैरायटी शो वाले आए हैं। कार्यक्रम में बच्चों के मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन यहां पर लगा गोरी रेस्टोरेंट लोगों को काफी रास आ रहा है। ग्राहकों ने बताया कि इस रेस्टोरेंट का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है और रेस्टोरेंट अपेक्षा सस्ता भी है। बेटा आज आप गौरी रेस्टोरेंट में आई हो झानी मेला में, तो यहाँ आपने क्या खाया? हमने पेस्ट्री और झोले भटूरे खाए थे जी। तो यहाँ की जो खाना कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है यहाँ का खाना जी। जी अच्छा, यहाँ पे जो चार्जेस है वो मार्केट की अपेक्षा है यहाँ पे कुछ? मार्केट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है जी। जी आपका नाम क्या है? झलक। जी जी कहाँ से आई हूँ? हाँ सीएम न्यूज की टीम यानी मेले में आई है, तो यहाँ पर जो है जगह जगह के बच्चों के दिखाई दे रही है। तो रेस्टोरेंट में है तो रेस्टोरेंट से पूछते हैं इनका जो है मेन क्या क्या भोजन है, कैसे कैसे क्या है जी। और मेरे रेस्टोरेंट में भोजन है, मसाला डोसा है, पनीर डोसा है, सब ये सारे आइटम मैं रखता हूँ यहाँ पर। अच्छा जैसे पहले जो है कितना ग्राहक और कैसे आने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर? ग्राहक आज तो बहुत कम काम निकला है, राम बरात वाले दिन थोड़ा सा काम निकला था सर, और कल जो होगा उम्मीद बहुत पता नहीं क्या है। अच्छा जो है सर शिकायतें ये मिलती हैं जो है रेस्टोरेंट में जाकर जो है मिक्सर चीज मिलती है स्वादिष्ट नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सर ग्राहक से पता करिए, ये ग्राहक कस्टमर बैठे हुए इनसे पता करिए, ग्राहक से स्वयं पूछते हैं हमें जो है ले रहे हैं क्या है भैया। ये जो है जब इस बारे में जो है रक्षे पूछा जा रहा है तो बहुत ही संतुष्ट है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है जो बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बन रहा है। कैमरा मैन कृपा सर लगभग